कॉल है ना आशीष चतुर्मोता की, इट्स वाकई अगर आप देखें बहुत अच्छी है। वेदांता स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज, मेटल बास्केट पूरी लेके आइएगा। और क्यों जरा एक बार मेटल्स का ओआई एडिशंस देखते हैं आप, एक सेकंड टॉप ओआई गेनर्स की श्रेणी में जरा मैं आपको सेक्टर समझाता हूँ कि हुआ क्या क्या सेक्टर्स में, मेटल्स में क्या हो रहा है। और मेटल्स में आज लॉन्ग साइड पे 1% बिल्डअप है ओवरऑल सेक्टर में। यहाँ पे NMDC 1.6%, कोल इंडिया 1.8%, JSW स्टील 1.3%, नालको 1% और टाटा स्टील लगभग 1%। तो मेटल्स आशीष अपनी तरफ लॉन्ग ओआई खींचते हुए, मानस आपको कोई इम्प्रेस कर रहा है इस वक्त मेटल? देखिए वेदांता सबसे बेहतरीन लगता है क्योंकि ये तैयार हो गया है ब्रेकआउट के लिए, 416 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें क्योंकि सतपुत्री जी ऑलरेडी दे चुके हैं तो JSW स्टील पे भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं और आउट परफॉर्मेंस भी बहुत क्लियर कट चार्ट पे दिखता है। मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 750 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए करंट लेवल्स भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 716 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 750 के टारगेट सेट करना है। ठीक है, मेटल तो रखिएगा रडार पे। वेदांता वो स्टॉक है जो पिछले हफ्ते 8.5% वीक ऑन वीक का गेन्स, और उसके बाद वो खबर भी आ गई कि केपेक्स को मंजूरी, तगड़े केपेक्स को। अच्छा वेदांता ही नहीं, पिछले हफ्ते लाइमलाइट में था हिंडाल्को भी। जब वेदांता वीक ऑन वीक 8.5% बढ़ा था तो हिंडाल्को भी 8% का उछाल दिखा रहा था, और अब देखिए हिंडाल्को भी जो मेटल्स की बात हो रही है बढ़िया मूव दिखाता हुआ। सतपुते साहब क्विकली हिंडाल्को देखिएगा, वेदांता प्रिफर्ड प्ले है लेकिन इक्वल स्ट्रेंथ हमने हिंडाल्को भी लास्ट वीक आती हुई देखी है, ये अभी भी स्ट्रेंथ दिखा सकता है क्या? बिल्कुल आशीष जी, देखिए परसों हमने हिंडाल्को, इनफैक्ट परसों हमने फ्राइडे के माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग की, उसके बाद मुझे लगता है हिंडाल्को फिर से चलेगा। एज पर द लेवल्स आर कंसर्न आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए 620, और जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो रहेगा करीबन करीबन 600।